अस्सलाम वालेकुम। हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहर कराची में एक बार फिर KMC हुई सरगरम और इस बार सबसे पहले निशाना बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में महमूदाबाद की मेन रोड को, जिसके एतराफ में तजावजात कायम थी और इस बार हदफ बना नेशनल सेविंग्स का जनरेटर जो कि ब्रांच के बाहर मौजूद था। उसूली तौर पर बाहर रखे गए जनरेटर जो बैंक से परटेन करते हैं उनकी KMC को फीस देनी होती है। पेमेंट ना होने की सूरत में इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस ऑपरेशन में बैंक का काफ़ी नुकसान भी हुआ। इन तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मकसद आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि होटल मालकन अपने होटल का साजो सामान बाहर ना रखे तो उनकी सुबह नहीं होती, और चाहे कि होटल का सामान ही दुकानों के बाहर सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। टेबल, कुर्सियाँ, तवा और दीगर अशिया जो एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ और KMC के अफसरान बाल अपनी तहवील में ले रहे हैं। बर्गर और रोल बनाने के काउंटर को भी जब्त किया जा रहा है। साथ ही दुकान के बाहर मौजूद स्टेयर्स के साथ मौजूद आयरन के सपोर्टर्स को उखाड़ फेंका जा रहा है। और फाइनली जनरेटर के ऊपर से तमाम लेयर्स रिमूव करते वक्त डीजल काफ़ी ज़्यादा गिर गया। बैंक के अमले की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जनरेटर को जब्त ना होने दिया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी जारी है। और इस रोड पर मौजूद गोश्त और चिकन की दुकान वाले साहिब ने आयरन रॉड्स काफ़ी बाहर तक लेकर आ गए थे जिस पर गोश्त को लटकाया जाता था, और इन रॉड्स को भी डिमोलिश किया जा रहा है। काफ़ी सख्त किस्म की कार्रवाई की जा रही है इन तजावजात के खिलाफ। और ये तमाम ही ऑपरेशन सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की जेर सरबराही अमर में लाए जा रहे हैं। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्वीट्स की दुकान के काउंटर को भी जब्त किया जा रहा है और इस बार काउंटर के अंदर मौजूद सामान भी ले जाया जा रहा है, क्योंकि बारह दफ़ा जबानी और सामान जब्त करने के बावजूद भी सेम सिचुएशन मिली और इस बार फिर सामान के साथ ही जब्त किया जा रहा है काउंटर को। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के बाहर से जो कोल्ड ड्रिंक रखी थी उनको भी जब्त किया जा रहा है, और जिन दुकानों को दिन में वक्त की कमी के सबब निशाना नहीं बना सके थे उन दुकानों पर से रात के औकात में तजावजात का खात्मा किया गया। ये थी तजावजात के हवाले से अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।